नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके हेल्थ, आपके फिनेंस, आपका जॉब, बिजनेस, लव लाइफ, सिंगल लाइफ एंड बाद में लेंगे गाइडेंस कार्ड। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो देखते हैं कैप्रिकॉन आपके हेल्थ कैसे रहने वाला है। 1 से लेकर 8 तारीख तक की जो वक्त मैंने बताया, जून महीने की हेल्थ, फोर ऑफ सोर्ट्स, आपका मानसिक मेंटल हेल्थ थोड़ा खराब रह सकता है। आप दुखी परेशान रह सकते हो, किसी भी कारण से आप खुद को दोषी मान सकते हो और आपको ये लग सकता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इस तरह की सोच आपके हो सकते हैं। लेकिन दुख के साथ ये भी बोलना पड़ेगा कि किसी किसी के लिए कोई छोटी मोटी सर्जरी होने की भी चांसेस है। थोड़ा सावधान रहिए, सावधानी से चलिए फिर ये, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ तो परेशान रहेगा, इसके लिए फिजिकल हेल्थ भी खराब हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकल हेल्थ के कारण ही आप परेशान रह सकते हो। रात को आपका नींद कम हो सकता है, आप परेशान रह सकते हो। किसी किसी के लिए जैसा मैंने कहा कोई छोटी मोटी सर्जरी के चांसेस है, तो अपना ख्याल रखिए, अपना मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों का ही ख्याल रखिएगा। हेल्थ हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ होते हैं, इसका आपको पता ही होगा। और जितनी वक्त हो सके स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, भगवान से अपने लिए मदद मांगिए, प्रे कीजिए। जब रात को आपको नींद नहीं आएगी, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप रात को जग सकते हो, आपका नींद खराब हो सकता है, तभी आप ठाकुर जी के शरण में जाइए, गॉड के शरण में जाइए, अल्लाह को बोलिए कि मेरे परेशानी क्यों आ रहा है। तो इस तरह की आपकी स्थिति रह सकता है, मेंटल एंड फिजिकल थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये कुछ दिनों की बात है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अभी देखते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फिनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, जो आपके पास है जितना है जैसा है वो सही है। बढ़ोतरी अगर हो भी ना हो इन दिनों तो कम कुछ नहीं होगा, फिनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। फिनेंस को लेके आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आता है। जो स्टूडेंट्स मतलब एकदम छोटे बच्चे नहीं हैं, जो पढ़ाई भी करते हैं, हायर स्टडीज़ भी करने के लिए कर रहे हैं और जॉब भी करते हैं, द हार्मेट का कार्ड है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं मुझे लगता है इन दिनों आप थोड़ी नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हो। हो सकता है आप अपने लाइफ को एकदम स्टक करके रख सकते हो, आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है मेरे से, जो मैंने इतना मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ फिर भी मुझसे वो चीज़ नहीं हो रहा है जो होना था। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मेहनत करने में आपकी जो 100% है उसको देना चाहिए। आगे जो करना होगा वो तो गॉड करेंगे ही, लेकिन आप अपने लाइफ को स्टक मत कीजिए, रुके मत रहिए। जो कर रहे थे जैसा कर रहे थे वैसा आपको मेहनत जारी रखनी होगी। हो सकता है किसी किसी की मेहनत थोड़ी देर से रंग लाती है, लेकिन लाती है ज़रूर, अगर आपकी मेहनत सच्चा हो तो आपको अपनी मेहनत को जारी रखनी पड़ेगी। और लाइफ को स्टक मत कीजिए, रुक मत जाइए, आप परेशान मत होइए क्योंकि मैं इतना कर रही हूँ, इतना स्टडीज़ कर रही हूँ, इतनी कोशिश कर रही हूँ बाहर जाने की, जॉब लगने की, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, अगर आप मेहनत करते हो तो इसका परिणाम आपको देर से ही अगर मिलता है तो भी मिलता है, ज़रूर मिलता है। अभी देखते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। किंग ऑफ कप्स के कार्ड, मुझे लगता है जो लोग जॉब करते हैं वो तो अच्छे पोजीशन पे है, अच्छे काम में है, अच्छे पोजीशन में है। हो सकता है आपकी पोजीशन जो है दूसरों को आँख में थोड़ा खटकता है, लेकिन आपको इन दिनों थोड़ी अपनी बात को थोड़ा स्टोर करके बोलना पड़ेगा। जब भी आपको कुछ बोलना है सोच समझ के बोलिएगा, अवर तोड़ मत बोल दीजिएगा। और बोलने से ज़्यादा अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, चुप रहते हो तो सही है। हर किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिएगा,
ये मेरे दोस्त है, इससे मैं ये कह सकता हूँ या कह सकती हूँ, सोच के बात कीजिएगा। हो सके तो ज़्यादातर वक्त अब चुप रहिए, शांत रहिए, चीज़ों को साइलेंटली अगर ऑब्जर्व करते हो। अगर आपका पोस्ट भी इस तरह का है कि आप कहीं के सीईओ हो या फिर मैनेजर हो, कुछ भी अगर आपका हायर पोस्ट है, तो भी आपको इन दिनों थोड़ा साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अभी देखते हैं जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। द एम्प्रेस का कार्ड, बिजनेस में आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा, आपकी बिजनेस में फर्टिलिटी है, जितना आप मेहनत किया है आपने उसका परिणाम आपको मिलेगा। हो सकता है लोगों को आपको देख के ईर्ष्या हो, जलन हो कि आपको इतना अच्छा परिणाम कैसे मिल सकता है, लेकिन आपको इसमें कोई लेना देना नहीं होगा, आप अपने में मगन रहोगे, आप अपनी मेहनत जारी रखोगे। हो सकता है अगर आप कोई ज्वेलरी या फिर क्लॉथिंग्स के बिजनेस करते हो तो उसमें बढ़ोतरी होगी। हो सकता है आपको कहीं बाहर से ऑर्डर भी मिल सकता है, और अगर आपका ज्वेलरी का बिजनेस है तो इसमें चार चांद लगने वाला है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। अभी देखते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या आता है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनको थोड़ा परेशानी देखनी पड़ सकते हैं, आपका दिल टूटा हुआ हो सकता है। हो सकता है किसी ने आपको इन दिनों कुछ झूठ या धोखे की बात आपसे कर सकता है, या फिर आपको किसी धोखे की आसार नज़र आ सकते हैं। आपको ये लग सकता है कि कोई आपको झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, तो आपका दिल थोड़ा टूटा हुआ रह सकता है। जो अकेले हैं, मतलब जो परेशान हैं, जो सिंगल हैं, वो और भी सिंगल रहेंगे, फील करेंगे कि आप सिंगल हो, दुखी हो, क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ रहेगा। जो रिश्ते में है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जो रिश्ते में है उनको अपने रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है आप लोग रिश्ते में होते हुए भी रिश्ते में परेशान हो। अगर आप इंतज़ार कर रहे थे रिश्ते को सही एक लेवल पे ले जाने की, शादी या कुछ और सोच रहे थे, या फिर अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो लेकिन आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब आपका रिश्ता सही हो जाए, आप दोनों एक साथ चले आओ, या फिर आपका शादी सक्सेस हो जाए, आपके बच्चे आपके परिवार हो जाए, तो इन दिनों आप में वो कोशिश और जोर से होगी आपके अंदर। आप में ये इच्छा होगी कि मैं ये कोशिश और करूं, ताकि जल्दी जल्दी जो मुझे चाहिए, परिवार, घर, बच्चे, वो मिल जाए। और आप इंतज़ार जो इतने दिनों से कर रहे थे उस इंतज़ार को आप जल्दी ख़त्म करना चाहोगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या कहना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, जैसा मैंने पहले कहा अभी भी कह रही हूँ, स्टार्टिंग भी सोर्ड्स के कार्ड से हुए थे, तो जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं मुझे लगता है वो लोग हमेशा दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। और आप लोग चालाक मैं नहीं कहूँगी, आप लोग इंटेलिजेंट हो, तो यूनिवर्स जी भी आपसे ये कह रहा है कि आपको रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना सोच रहे हो कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपके सोच उसको बना रहा है। अगर आप दुखी हो, परेशान हो, अगर आपके साथ कोई सर्जरी भी हुआ है, आपके फिजिकली आप अगर थोड़ा दुखी हो, लेकिन आप उसको जितना आप सोच रहे हो कि मेरे साथ क्यों हुआ है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैंने तो ऐसा नहीं किया, तो इस तरह की सोच आपको ज़्यादा परेशान करेगी। जितना दुख नहीं है आप सोच सोच के उस चीज़ को बना रहे हो, इसलिए खुद का ख्याल रखिए। अचानक से अपने दिमाग में कोई गलत शलत सोच ना लाइए। रात को सोने की कोशिश कीजिए, अगर नींद नहीं आए तो मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, गॉड से अपनी परेशानी को बोलिए, और अपने आप को ज़्यादातर वक्त जो है शांत रखने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा उतावले मत होइए, किसी भी चीज़ में अपने चिंता को मत डालिए, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि जितना आप परेशान हो उससे ज़्यादा आपका चिंता आपको परेशान कर रहा है, और आपको लग रहा है कि ये धोखा, ये परेशानी, ये मेरे ही साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता है, ऐसा नहीं है।
सबके साथ होते हैं, सब दुखी है, सब परेशान है। जो सुख और दुख है ये सर्कल की तरह आते जाते हैं। तो जब आप अगर आप अभी परेशान हो तो ये परेशानी भी चले जाएगी, चले जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।